बेली फूल बेली वृक्ष में चमेली नहीं होगा, चमेली में उसमें गेंदा नहीं होगा, गेंदे फूल में मालती फूल नहीं होगा, एक वृक्ष में ही एक फूल चल सकता है, हमें ये बताया। लेकिन ये वृंदावन धाम, ये तिब्बत धाम, चिंतामन धाम है, कद श्री वृंदादेवी एक वृक्ष में जितने तरह का फूल मिलने चाहिए, एक वृक्ष में सारे फूल यहाँ की तरह। गोपियाँ यहीं पर आकर के कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर पुष्प चयन करती थी और सुंदर सुंदर कृष्ण के लिए माला बनाया करके श्री श्याम सुंदर गला में पहनाया करती थी। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन लिखते हैं, बोले काथिया माला तेरे माला दीवा तुम्हार गले आधारे दुनिया दीवा कर्पूर तम। ऐसे तब दिन आएगा सुंदर मालती का फूल की माला हम बनाएंगे और क्या करेंगे, राधा कृष्ण के गले में हम माला पहनाएंगे, है। इसलिए ये कुसुम सर एक दिन क्या हुआ, कृष्ण को पता है यहाँ पर रोज राधा रानी सखियों के साथ में फूल चयन करने के लिए आते हैं, ये श्याम सुंदर को पता, कृष्ण तो बड़ा नटखट है। इसने क्या किया, जैसे कोई पेड़ हो अब देखना जो फूल नीचे फूल का तो तोड़ लेते हैं लेकिन जो ऊपर का जो फूल है ना वो तोड़ा नहीं जाता। इतने में बड़ा घना घोर जैसे वो पेड़ था एकदम पत्ते में हरा भरा, इतने में कृष्ण आ करके राधा रानी आने से पहले पेड़ को चढ़ी चढ़ करके अपना पैर में ना जो टहनिया की फूल उसे था उसको पैर में दबा करके उन्होंने नीचे कर दिया। इतने में राधा रानी फूल चयन करने के लिए आए और एक हाथ में पकड़ करके फूल को तोड़ दी, उनको पता ही नहीं था कृष्ण उसके अंदर बैठा हो। इतने में राधा रानी जो पेड़ को छेद कर फूल चयन कर रही थी, इतने में श्याम सुंदर अपना धीरे धीरे चरण को छोड़ दी, छोड़ दिया तो जो टहनिया नीचे दबा हुआ था ना वो टहनिया ऊपर एकदम पूरा के पूरा ऊपर चला गया और राधा रानी जो वो पेड़ को पकड़ कर चयन कर रही थी लटक रही थी पूरा उन्होंने एकदम ऊपर चली गई। ऊपर चली गई तो राधा रानी बोली ये क्या हुआ, ये पेड़ अपनी आप टहनिया ऊपर कैसे चली गई, सखियों ने देखा भैया ये क्या हुआ, राधा रानी तो ऊपर लटक रही है, इतने में ऐसे कैसे हो गया। इतने में देखा ध्यान से वो कृष्ण उसके ऊपर बैठ के मुस्कुरा रहे, कृष्ण ऊपर में बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, बोले अरे ये नटखटे ने ये काम किया। फिर तो कृष्ण नीचे उतर करके आए और राधा रानी को अपना गोद में हाथ में लेकर के नीचे फिर उसको उतारा। इसलिए यहीं पर ही जिस समय कृष्ण रास से कृष्ण ये दुनिया से जो भगवान कृष्ण चले गए, कृष्ण का 16108 पाटलानी बड़ी थी कृष्ण की रह, लेकिन देखा जो कालिंदी यमुना बड़ी प्रसन्न है, बोले हे कालिंदी हम तो कृष्ण विरह में बड़ी दुखी हो लेकिन तेरे अंदर में कृष्ण का कोई विरह नहीं, मतलब क्या है, क्या कृष्ण का विरह तेरे को नहीं है। तब से कालिंदी कहती हैं राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण वृंदावन पड़ गए कहीं नहीं, कृष्ण अभी भी वृंदावन, अभी भी कृष्ण बजती बजाते हैं, कृष्ण अभी भी गैया चरण चाहते हैं, अभी भी कृष्ण गोपियाँ अभी भी कमला में पानी करने जाते हैं, कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी कृष्ण पूर्ण रूप में कृष्ण ब्रज में है। बोले भैया हमें ये चीज़ उपलब्धि कैसे होगा, बोले चलो कृष्ण सरोवर उस तरफ में उद्धव कुंड है और इस तरफ में कुसुम सरोवर, चलो अभी भी उद्धव जी घास बन करके वही तपस्या कर रहे हैं, हम उनसे प्रश्न करेंगे। सबके सब महिषिया परीक्षित महाराज वज्रनाभ सांडिल्य ऋषि यहीं पर आए और बड़ी जोर से बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। यहीं पर कीर्तन किया, जब कीर्तन किया उद्धव जी घास बन कर यहाँ भजन कर रहे थे, इतने में उद्धव जी स्वयं घास से श्री उद्धव जी स्वयं प्रकट हुए, प्रकट होकर के उद्धव जी घास से प्रकट हुए, प्रकट होकर के तब उद्धव जी को पूछे भैया क्या बात है, हैं उद्धव जी से पूछे क्या बात है, इसलिए तुम लोग कृष्ण किया। बोले उद्धव जी जब कृष्ण तुम्हें वृंदावन में भेज करके गोपियों को प्रार्थना करते हैं, तुमने ही ब्रजवासियों को प्रार्थना दिया था, हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, अभी तो बताओ कृष्ण को देखने के लिए कहा मैंने यही प्रश्न किया, कृष्ण जब जा रहे थे मैंने भी यही प्रश्न किया था, कृष्ण तुम तो छोड़कर चले जाओगे अभी तुम्हारी विरह को कैसे जाने जाओ, तब कृष्ण की बात
रूप में रहोगे कलयुग में, पहले मैं रहूंगा भागवत ग्रंथ रूप। अगर कोई कलयुग में ये भागवत ग्रंथ को अगर कोई पढ़ेगा तो, अगर ये भागवत कथा कोई सुनेगा तो उसमें और ये भागवत कथा में कोई तफात नहीं, हम एक ही बस का एक ही वक्त भागवत में सो उसको अंदर में क्या नीम का पत्ता एकदम कड़ुआ है, बड़ा क्रोध है अपना जन्म जो निकाला, बोले मेरे को तुम जानते नहीं, अभिशाप दे दूंगा सबको, अभिशाप दे दूंगा हैं सबको अभिशाप, मेरे को नीम की पत्ता भूस कर खिला दिया। इसलिए इसके अंदर भी वो लीला ठाकुर ने यहीं पर की थी। और यहीं पर श्री नारद कुंड, दो चार दिन बाद में नारद कुंड में आएंगे, ऐसे नारद जी यहीं पर बैठ करके उन्होंने तपस्या किया है। और यहीं पर आप लोगों ने सुना होंगे भागवत में, जिस समय इंद्र ने हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया, इंद्र ने उसका पत्नी को पकड़ कर ले जा रहा था, बोले एक पिता तो सारा दुनिया में टहलका मचा दिया, अब इसकी पत्नी की गर्भ में भी बच्चा है, अगर पिता अगर बेटा अगर दो मिल गए ना हमको तो इंद्र राज्य से भगा देंगे। जब ले जा रहा था इतने में श्री नारद जी आए, जो जानते हो उसके पेट में कौन है, भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री प्रहलाद महाराज है, इसको मारो क्या, बोले मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ, कि बच्चा जन्म देगा तो बच्चा को मार दूंगा, मैया को छोड़ दूंगा, बोले तू उसका बाल भी एक बंका नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस गर्भ में भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री प्रहलाद महाराज है भगवान। खैर उन्होंने लेकर के यहीं पर आए पास में नारद कुंड में, यहीं पर उन्होंने 7,000 साल वो तपस्या किया। कौन तपस्या किया? हिरण्यकशिपु। और यहीं पर 60,000 साल तक उन्होंने उनको यहीं पास में ही उनको बैठा करके उसकी मैया कथा सुनाए, और प्रहलाद महाराज गर्भ में बैठे बैठे करके सारी कथा गोने सुने। इसलिए यहाँ पर कृष्ण लीला की पूरा कृष्ण लीला लीला यहाँ पर ठीक है। उनका गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्ण हरिभो हरिभो।